हेलो फ्रेंड्स, अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरी ट्री। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम सुजान भगत है। सुजान भगत प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। कहानी में हम आगे बढ़ने से पहले इस कहानी के कैरेक्टर्स को जानेंगे। सुजान इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जो एक किसान होता है जो धन आने के बाद धर्म की ओर झुक जाता है। वह अब अपना ज़्यादा वक्त धर्म और समाज सेवा कामों में लगाता है। गांव में तो सुजान का मान और मर्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। अपने ही घर से वह अधिकार खोने लगता है। जब सुजान को इस बात का मालूम होता है तो वह अपनी संघर्ष और मेहनत के दम पर अपना खोया हुआ मान मर्यादा और अधिकार वापस प्राप्त करते हैं। बुला की, सुजान की पत्नी, भोला सुजान का बड़ा बेटा, शंकर सुजान का छोटा बेटा, भिक्षु, यह भिक्षु एक दिन सुजान के घर भिक्षा मांगने आता है। यह कहानी सुजान के बारे में है, जो पहले एक किसान थे, लेकिन 3 सालों से लगातार सुजान की खेत बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। उधर गुड़ का भाव तेज था, 2,500 हाथ में आ गए और अब सुजान एक किसान से एक भक्त बन चुके थे। वह अपना ज़्यादा समय धर्म के कामों में निकालते, साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। कानून निगो इलाके में आते तो सुजान के चौपाल पर ठहरते हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, एक ना एक उस चौपाल पर पड़ा ही रहता। सुजान इस बात से बहुत खुश हो जाता था। जिन हाकिमों के सामने सुजान का मुंह ना खुलता था, आज उन हाकिमों का मुंह महतो महतो करते सुखता था। कभी कभी भजन भाव हो जाता। घर में शेरों का दूध होता, लेकिन सुजान एक घूंट भी ना पीते। कभी वह दूध हाकिम लोग पीते, कभी महात्मा लोग, क्योंकि सुजान का मानना था कि किसान को दूध की ज़रूरत नहीं है, किसान को तो सिर्फ रोटी और साग चाहिए। सुजान के पास इतना धन होने के बावजूद वह सबके आगे सर झुकाया होता, ताकि लोग यह ना समझें कि धन आने के बाद सुजान घमंडी हो गया है। गांव में 3 कुएं थे, बहुत सारे खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण खेती मर जाती थी। सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं बनाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के घर पर उनका भोजन बना। सुजान को भी इच्छा जाग उठी। फिर सुजान और पत्नी बुलाकी गया की यात्रा करने चले गए। बुलाकी ने शुरुआत में कहा कि 1 साल के बाद जाएंगे, पैसों के कारण 1 साल के बाद, लेकिन सुजान नहीं माना। वह कहने लगा कि भगवान की इच्छा होगी तो और पैसे आ जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। फिर सुजान और बुला की यात्रा करके वापस गांव आते हैं। सारी बिरादरी निमंत्रित होती है। 11 गांव में सुपारी बटती है। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों का आचार विचार कुछ और ही होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा आचरना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ बोलने का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षमा हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी को क्षमा नहीं मिलती। यहाँ तक कि गायों को नहलाते वक्त उसे बछड़ों का ध्यान रखना पड़ता था।
कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए। वह गांव का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों से डांट लेकर मामले का रफा दफा किया था। अब इन व्यापारों से उसे घुना होती थी, झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी ये सोच थी कि मजदूरों से कितना जितना काम हो सके उतना करा लेना चाहिए और जितनी कम हो सके उतनी मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। अब वह सोचता है कि मजदूरों को कम से कम काम कराना चाहिए और मजदूरी अधिक ज़्यादा देनी चाहिए। लेकिन अब सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। उसके दोनों जवान बेटे भोला और शंकर उसे बात बात में टोकते थे और फपतियां कसते थे। बुलाकी भी उसे अब कोरा भगत समझने लगी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव से क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह ना ली जाती थी। सारे फैसले दोनों बेटे और बुलाकी ही लेती थी। गांव में सुजान का सम्मान बढ़ रहा था, लेकिन खुद के ही घर में घट रहा था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी, एक भिक्षु भिक्षा मांगते हुए घर के बाहर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा कि दाल छांटने के बाद वह कुछ दे देगी। तभी बड़ा लड़का भोला आया और माँ को भिक्षु के बारे में कहने लगा। बुलाकी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि भगत के पाँव में मेहंदी लगी है, क्यों वह कुछ ले जाकर नहीं देते और उसके चार हाथ नहीं हैं, ऐसे बुलाकी बोलती है। फिर बुलाकी और भोला सुजान के बारे में बातें करते हैं। भोला कहता है कि सुजान दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते रहते हैं। उसने 100 दफ़ा सुजान से कहा कि घर के मामलों में बोला ना करो, लेकिन सुजान मानते नहीं हैं। बुलाकी ने भी कहा कि अगर उसे मालूम होता कि अगर सुजान भगत बनने के बाद ऐसे हो जाएंगे तो वह गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती। भिक्षु अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। फिर सुजान अंदर आया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता, बहुत वक्त से भिक्षु भिक्षा मांग रहा है। सुजान फिर बुलाकी से पूछता है कि आटा कहाँ है ताकि वह भिक्षु को दे सके। बुलाकी यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से से बोलती है कि अनाज दे दो। वह मर मर कर आटा पीसती है, इसलिए नहीं कि मुड़चीरों को दिया जाए। सुजान भंडार घर जाता है, एक छोटी सी झबड़ी को जौन से भरने लगा। जो शेर भर से कम ना था, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि झबड़ी में ज़्यादा जौ नहीं है, उसने झबड़ी को चुटकियों से पकड़ा। चुटकी इतना बोझ नहीं संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। थोड़ी देर और रुकेगा तो झबड़ी हाथ से गिर जाएगी, इसलिए वह जल्द बाहर जाने लगा। तभी भोला झबड़ी हाथ से छीन लेता है और कहता है कि यह सेंत का माल नहीं है। छाती फाड़ कर काम करने के बाद दाना घर आता है और भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो बेला खाकर दिन काटते हैं ताकि पत पानी बना रहे और आप लुटाए जा रहे हैं, आपको क्या मालूम घर में क्या हो रहा है। सुजान ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बाहर जाकर भिक्षु को भेज देता है और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मगन हो जाता है। वह सोचने लगा कि उसके ही घर में उसका अनादर हो रहा है, उसी ने घर बनवाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, लेकिन अब
उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। अब वह द्वार का कुत्ता है जो पड़ा रहता है और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें खा पी कर बैठा रहें। ऐसे जीवन से सुजान नफरत करता है। कुछ देर के बाद भोजन का समय हो गया। भोला बुलाने आता है लेकिन बहुत मनवाने के बाद भी सुजान भोजन करने नहीं आते हैं। फिर बुलाकी आती है और पूछने लगी, क्यों खाना खाने नहीं आते? तबीयत तो ठीक है? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही आता है। उसने सोचा कि बुलाकी ने भोला को अपने पिता के हाथ से अनाज छीनते वक्त नहीं रोका और सोचने लगा कि लड़कों को तो मालूम नहीं है कि सुजान ने कितनी मेहनत करके दिन रात एक करके पैसे कमाए थे, लेकिन बुलाकी को तो अच्छी तरह से पता है। सुजान अपना अधिकार छीने जाने के बारे में सोचने लगा। वह सोचा कि आज तक उसने बुलाकी को फूल की झड़ी से भी नहीं छुआ, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेना देना सब बुलाकी के हाथ में ही देता था। वह सोचा कि अब बुलाकी को सिर्फ अपने बच्चों से प्यार है और सुजान की अब उसे परवाह नहीं है, और बुलाकी से कहता है कि सुजान को खाना खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेटों को ही खिला दो, ऐसे सुजान कहता है। बुलाकी सुजान को समझाने लगती है और भोला के तरफ से सफाई भी देने लगती है, लेकिन सुजान समझने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच बहस होती है। सुजान सिर्फ इस बात पर टिका था कि बुलाकी सिर्फ अपने बेटों से ही प्यार करती है क्योंकि वह अब कमाऊ बन चुके हैं। सुजान बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानता। अंत में बुलाकी हार कर घर में अंदर चले जाती है। अब सुजान अपना खोया हुआ अधिकार वापस प्राप्त करना चाहते हैं। अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकते। वह सोचा कि वह मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। उसी रात सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू करता है। सारा गांव सोता रहता है लेकिन सुजान काम कर रहा था। शंकर और भोला दोनों चारा काटते थे लेकिन कभी पूरा ना पड़ता था। आज सुजान इन सब को दिखाना चाहते थे कि चारा कैसे काटा जाता है। सुबह से पहले सुजान ने कटिया का ढेर लगा दिया था। बुलाकी सुबह उठी और ढेर को देखकर चौंक गई और सोचा कि शायद भोला ने काटा है, लेकिन पता चलता है कि यह काम सुजान ने किया है। बुलाकी भोला से कहने लगी कि अब सुजान किसी की बात नहीं सुनेंगे। भोला यह सब देखकर जल्द खेत पहुंचता है। खेत में जाकर वह देखता है कि सुजान ने आधा खेत जोत दिया था। सुजान से कुछ बोलने की भोला को हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुआ, सब किसान ने काम रोक दिया। सुजान अपने काम में मगन थे। सब सुजान की मेहनत देखकर आश्चर्य हो गए। फिर भोला आकर कहा, दोपहर हो गई, क्या हल खोल दूं? सुजान हाँ बोलता है और भोला से बैलों को घर ले जाने को कहता है और सुजान कहता है कि वह डांट फेंक कर आएगा। भोला कहता है कि वह डांट फेंक देगा लेकिन सुजान मना कर देता है और भोला से कहता है कि तुम लोगों ने खेत की हालत ख़राब बना दी है जिसके कारण बीज में पानी जम जाता है। आधा घंटे बाद डांट फेंक कर सुजान घर आता है मगर थकान का नाम नहीं था। नहा खाकर आराम करने के बदले वह बैलों को सहलाना शुरू करता है। उनकी पीठ पर हाथ फेरता है, उनके पैर मलता है और पूंछ सहलाता है। बैलों को बहुत खुशी मिल रही थी, उनकी पूंछ खड़ी हो गई, वह बहुत आनंद ले रही थी। थोड़ी ही देर में वह फिर सुजान हल लेकर खेत की ओर
चल पड़ा। दोनों बैल बहुत खुशी खुशी सुजान के साथ जाने लगी। भोला ने अपने पिता को देखा पर उठ ना सका, उसकी हिम्मत छूट गई थी, उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। भोला अपने आप को तसल्ली देने लगता है कि जवान आदमी को काम के अलावा बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं। इस बार सुजान की खेती ने सोना उगला। बखारी में अनाज रखने के लिए जगह ना थी। जिस खेत में मुश्किल से 5 मन मिलता था, आज वही खेत में 10 मन मिला। बहुत सारे भिक्षु सुजान के पास भिक्षा लेने आए थे। उसमें वह भिक्षु भी था जो उस दिन सुजान के घर से खाली लौटा था। सुजान ने उस भिक्षु को देखते हुए कहा कि आज तुम जितना उठा सको उतना अनाज ले जाओ। भिक्षु ने एक चादर में 10 सेर अनाज भरा और उठाने लगा। वह और अनाज लेने से संकोच कर रहा था, लेकिन सुजान और अनाज भरने को भिक्षु से कहते हैं। भिक्षु एक पसेरा अनाज और भरता है। वह और अनाज लेने से डर रहा था। उसने सोचा कहीं भोला पिछली बार की तरह इस बार भी अनाज ना छीन ले। लेकिन सुजान उसकी चादर में और अनाज भर देते हैं। भिक्षु उस अनाज को उठा ना सका। वह उसे उस जगह से हिला भी नहीं पा रहा था और सुजान से बोला कि इतना नहीं उठा सकता। तो सुजान ने भिक्षु से उनके गांव का नाम पूछा। उत्तर में भिक्षु गांव का नाम अमोला बोलता है। फिर सुजान भिक्षु से कहते हैं कि वह खुद इस अनाज को उसके घर पहुंचा देंगे। और सुजान ने अनाज की गठरी उठा ली और सिर पर रख लिया और भिक्षु के पीछे जाने लगे। तो इस तरह सुजान ने अपना खोया हुआ अधिकार मान सम्मान वापस प्राप्त किया था। भोला कुछ नहीं कह पा रहा था, वह सर झुकाया खड़ा हुआ था। बूढ़े बाप सुजान ने भोला को हरा दिया था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान में लगन हो तो वह बूढ़ा भी जवान है, और अगर से जवान में भी लगन ना हो तो वह जवान भी मूर्तक है। तो कहानी समाप्त हुई।